हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बनाएंगे मल्टीपर्पस ये बैग। इस ये चार पॉकेट वाला बनाया है। इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, चाहे इसका हम बड़ा साइज में बनाएं तो ग्रोसरी बैग भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं किस तरह बनेगा। इसके लिए एक कपड़े का पीस लिया है, तो ये मेजरमेंट में लिया है 20 इंच लिया है यहाँ से, और यहाँ से लिया है 18 इंच 18 इंच। इसके बाद दो स्ट्रिप्स और लेनी है हैंडल के लिए। ये मेजरमेंट में ली है 13 इंच है यहाँ से, और यहाँ से है 3.5 इंच। ये भी सेम साइज की है। अब इनकी हमें हैंडल बनाना है, तो इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ से भी फोल्ड करके एक और फोल्ड लगाना है ऐसे, और सिलाई लगा देनी है। ये भी इसी तरह रेडी करना है। दोनों पीस रेडी कर दिए हैं सिल के, दोनों साइड में सिलाई लगाई है। कपड़े को उल्टी साइड से ऐसे रखना है। यहाँ पर कपड़े का मिडल पार्ट ले लेना है। ये मिडल पार्ट यहाँ से मैंने 20 इंच लिया है, वो उस साइड से लेना है। ये साइडें हैं, यहाँ भी 1-1 इंच की यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पर भी हैंडल लगाने हैं, तो यहाँ पर मिडल पार्ट ले लेना है, और यहाँ से 2 इंच रखना है, और इस साइड से भी 2 इंच रखना है। इसी तरह इस साइड भी निशान लगा देने हैं दोनों साइड में। अब देखिए ये हैंडल है, इसको यहाँ पर रखना है, और ये दूसरी साइड ऐसे रखेंगे, और ये दूसरी साइड में भी इसी तरह हैंडल को रखना है। यहाँ पर पिन लगा देंगे, दोनों साइड में पिन लगा के सेट कर दिया है। अब ये कपड़ा है, यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है, और फिर से एक फोल्ड और करके सिलाई लगा देनी है आगे तक। दोनों को सेट कर दिया है पिन लगा के इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, यहाँ पर भी लगा देंगे। यहाँ पर हैंडल लगा दिए हैं। अब इस कपड़े को यहाँ सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है। अब ये लाइन लगाई है यहाँ पर, यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लग गई है। इसके बाद इस पीस को लेना है, ये है पॉइंट, यहाँ से ऐसे पलटेंगे, ऐसे फोल्ड करके रखा है। अब ये चारों हमारे इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब देखिए यहाँ पर लगा दी है सिलाई। अब इसे हमें सीधा करना है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सीधा कर लेना है इसे। एक साइड ही लेनी है, तीनों रहने देनी है ऐसे, इस तरह सीधा कर लेना है। अब देखिए ये हमारा बैग बनके रेडी हो गया है। तो इसका देखिए हमारे चार खाने बने हैं। ये देखिए एक है, और ये दूसरा, और ये तीसरा। तो इस तरह से हमारा ये शॉपिंग बैग बना सकते हैं। इसका बड़ा जैसे साइज बनाना है तो बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आप इसी बैग का बड़ा बैग बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इसका बड़ा साइज का बना दूंगी। अब इसमें हम अपना मोबाइल डाल सकते हैं, या हम अपना चार्जर भी डाल सकते हैं, और ये जो भी है हमारा मोबाइल है, कहीं हमें जाना है तो एक सेपरेट हमें मिल जाता है प्लेस इसमें। तो चार साइडें हैं, चारों में अलग अलग रख सकते हैं। तो देखिए हमारा चार पॉकेट वाला ये बैग बन गया है। एक में मैंने मोबाइल डाला है, एक में चार्जर डाला है, और इसमें आप और कुछ डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ये चार पॉकेट वाला बैग बना लिया बड़ी ही आसानी से। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।